पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में नया खुलासा सामने आया है। छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपियन सुशील कुमार की हत्या की साजिश रची जा रही थी। उसकी भनक सुशील कुमार को लग गई थी। पुलिस की जांच में सुशील कुमार की हत्या की साजिश रचने से संबंधित तथ्य सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ गिरफ्तार पहलवान अनिरुद्ध के कब्जे से उसका मोबाइल व कपड़े बरामद हो गए हैं। आपको बता दें कि 4 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने अनिरुद्ध को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में ये बात सामने आ रही है कि छत्रसाल स्टेडियम में सुशील की हत्या की साजिश रची जा रही थी। बता दें कि वारदात वाले दिन यानी 4 मई की सुबह सुशील कुमार ने कई पहलवानों को स्टेडियम से भगाया था। इसमें रविंद्र भिट्टा भी शामिल था। इनको भगाते समय सुशील ने कहा था कि वह उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और सोनू महल के लिए फील्डिंग कर उसे मारना चाहते हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या करने की बात को लेकर कुछ और तथ्य मिले हैं। पुलिस गिरफ्तार पहलवान अनिरुद्ध को मोबाइल आदि को बरामदगी के लिए जम्मू ले गई थी और उसके वारदात वाले दिन पहने कपड़े और मोबाइल हरियाणा में उसके घर में ही बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि मोबाइल में किसी तरह की वीडियो नहीं मिली है। आरोपी ने अपने कपड़े धो दिए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल व कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा।